किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है ये मुश्ताक। शादी से पहले कहा था गुलफशां देखना तुमको मैं चांद पर लेकर जाऊंगा, वो दिन है और आज का दिन है, हम चांदनी चक तक ना पहुंच पाए। भाई मेटाफोरिकली कहा था, ये तो हर फुल मून की रात दीवानी भी पड़ी होती है। नाम से गुले अफसा है लेकिन तबीयत गुले कांटा ही है। बस कभी कभी दिल ऐसा तड़प जाता है, बिलख्स हो जाता है, बगैर मछली के पानी हो जाते हैं हम, कि भाई कुछ भी हो जाए हम मैं के लौट जाए। लेकिन कब वक्तों ने हमारा घर गिरा कर पार्क बना दिया है वहाँ। इलीगल चाइना कटिंग पे रह रहे थे इनके घर वाले, भाई गवर्नमेंट ने तो आगे गिराना ही था ना। ओ भाई चाइना की शक्ल भी देखी क्या कभी इस पनौती आदमी ने? शराब बोर्ड से आगे गया हो तो कुछ पता हो इसको। चाइना तो हमारे अब्बा आया जाया करते थे, जीनियस आदमी थे वो, बस अपने वक्त से पहले आ गए वो। हमारा बिजनेस हुआ करता था ना फ्रोजन समोसे और जलेबी बेचने का। हमारे अब्बा को तो लोग प्यार से नन्हे हलवाई नन्हे हलवाई नन्हे हलवाई कहते थे। निहायत ही फ्रॉडी आदमी थे इनके अब्बा। सब सुन ले भाई सब सुन ले, 1940 में लोगों के घर में फ्रीजर आए और बड़े मियाँ 1930 में जो है जमे हुए समोसे और जलेबियाँ चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। भाई बिजनेस स्टॉप होना ही था, पिघलनी थी चीज़ें। बिजनेस यार हमारा हुआ करता था केटरिंग का, पूरे मोहल्ले में मशहूर थे मुल्लू भाई के कबाब, आज भी हैं, आप जाके पूछ ले। अरे ठेला लगाते थे ये अपनी जवानी में, कबाब सी रहा होता था ये शख्स है, बनाना तो बहुत दूर की बात है। और भाई इससे कोई ये पूछ ले कि बीवी से कभी दो लफ प्यार के हो जाए, कोई वेकेशन हो जाए अप नॉर्थ, कब से इंतजार में ये फेरी के फेरी मेडोस जाएगी। फेरी मेडोस जाना है, हरकत इनकी मौत के कुएं में ले जाने वाली है वैसे। लेकिन ले गए थे हम इनको लास्ट ईयर न्यूमरी, बिल्कुल ले गए थे। वहाँ पे जाके गलती से केबल कार भी बैठ गए इनके साथ। अब बीच हवा में ले जाके हमारी गर्दन पकड़ के हमसे पूछ रही है कि फला फला खातून तुम्हारी तरफ मुस्कुरा के क्यों देख रही है। अरे भाई उनके पास मास्क नहीं था तो हमने एक दे दिया। भैया अपना उतार कर दे दिया, हमारे साथ तो आज तक कुल्फी तक शेयर नहीं हुई और उनके साथ मास्क शेयर हो रहे हैं। वाह भाई मुझे तो बहुत पहले समझ आ गया था कि ये ठरखोलों का खानदान है, देख लो सब इनके एक एक चचाजात भाई को देख लो। खैर क्या क्या तल्ख सच्चाइयां बताओ उनके खानदान के बारे में है, और इस बंटी को तो रहने दो। छी बंटी, फिर से बंटी लोगों के आगे, वो भी ये औरत नहीं सुधर सकती भाई, ये खानदानी ढीठ है।